सभी का डीडी न्यूज के खास शो नया सवेरा में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अगले एक घंटे हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ ही साथ जानेंगे जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में किस तरह का है सियासी पारा और जानेंगे हरियाणा में किस तरह के हैं चुनावी हाल। और भी महत्वपूर्ण खबरों पर डालेंगे नजर और इस पूरे एक घंटे में मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना होंगी। सुप्रभात भावना। सुप्रभात संध्या। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले एक घंटे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर हमारी नजर रहने वाली है जिसमें बात जनादेश से जुड़ी हुई होगी ही होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारने वाले हैं और तेज विकास के साथ खुशहाली का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कटरा और कश्मीर दोनों में उनकी महारैलियां हैं। इसके साथ साथ जब हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा में आज भाजपा का घोषणा पत्र जो है वो जारी होने वाला है। जगत प्रकाश नड्डा यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रोहतक में हरियाणा में घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड फूड मेगा इवेंट 2024 की भी आज शुरुआत होने वाली है। अगर खेल की खबरों की बात करें तो भारत बनाम बांग्लादेश का आज बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे, संवाददाताओं को जोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर और कटरा में करेंगे जनसभा। अन्य दल भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। हरियाणा में भी प्रचार के लिए हुंकार भरेंगे कई दिग्गज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक में संकल्प पत्र करेंगे जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए 7 वायदे। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने कोविड के बाद पहली बार घटाई ब्याज दरें। 50 बेसिस अंकों की कटौती। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखेगा असर। लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। 20 की मौत, 450 से ज्यादा घायल। बेरूत के कई इलाकों में सोलर सिस्टम में भी धमाकों की खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से चेन्नई में। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक खेले 13 में से 11 टेस्ट किए अपने नाम। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतकर स्वदेश वापस लौटी भारतीय हॉकी टीम। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। चीन को हराकर जीता था 5वीं बार प्रतियोगिता का खिताब। और नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा है और संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में अब बंद हो गया है। राजनीतिक दलों ने अब अगले चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में महारैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वे कटरा में भी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री की दोपहर 12 बजे श्रीनगर में महारैली होगी। प्रधानमंत्री श्रीनगर में अपनी महारैली के दूसरे और तीसरे चरण में पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगेंगे। और आपको बता दें कि श्रीनगर में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री कटरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर और कटरा में महारैली करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही शांतिपूर्ण भी रहा है और अब दूसरे चरण के चुनावों के लिए मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरने जा रहे हैं। कटरा और श्रीनगर में उनकी महारैली होने वाली है और ऋषि जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से, वहीं धीरज जुड़ चुके हैं जम्मू से। ऋषि के पास हम सबसे पहले पहुंचना चाहेंगे।
ऋषि आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंखनाद करने वाले हैं दूसरे चरण का चुनाव के लिए, और पहले चरण का चुनाव लगातार ये दर्शा रहा है कि लोकतंत्र सक्रियता बढ़ी है। 58% जो है मतदान हुआ है पहले चरण का। और साथ ही साथ ऋषि आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो किन वायदों के साथ आएंगे और कितना जोश भरने वाले हैं वो आज, और कश्मीर वासियों को कितनी उम्मीदें हैं? आप थोड़ा सा यहीं खड़े हैं, लाइट कट जाएगी, वो पीछे वाली लाइट। हाँ ऐसे ये ऋषि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं और कितनी तैयारियां हैं आज वहां पर, और चुनावी घमासान में भाजपा आज किन वायदों को कश्मीर के सामने रखने वाली, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है बेहद ही शांतिपूर्ण रहा है और दिखाता है कि लोगों में लोकतंत्र के लिए उत्साह कितना बड़ा है। निश्चित तौर से जिस तरीके से पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर घाटी में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि अब बाकी के बचे हुए दो चरणों में जिस तरीके से अब राजनीतिक दलों को मेहनत करनी है, क्योंकि ये जनता अपने घरों से निकल रही है और मतदान कर रही है, तो इसमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी की राजनीति में अब पहले जो स्थिति हुआ करती थी कि आमने सामने का मुकाबला है, अब मतदाता जब ज्यादा घर से निकलता है तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों की चिंताएं कई बार ज्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे लोगों की जो पहले से ही मुकाबले को फिक्स मानकर चल रहे थे। लेकिन ऐसे में जो पूरा का पूरा मुकाबला है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में, खासतौर से कश्मीर घाटी में, पहले चरण में हमने देखा था कि घाटी की 16 में से, दक्षिण कश्मीर की 16 में से 8 उम्मीदवारों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था। इसी तरीके से आप जो दूसरा चरण है जिसमें कि 26 सीटों पर मतदान होना है, खासतौर से जो मध्य कश्मीर का इलाका है उसमें भी, इस इलाके को देखें तो श्रीनगर में भी तमाम उम्मीदवार बीजेपी के ऐसे हैं जो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे कश्मीरी पंडित हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि कश्मीर के इलाके में अपनी उपस्थिति को न सिर्फ दर्ज कराया जाए बल्कि अच्छी खासी सीटों को निकाल कर सरकार बनाने की जो उनकी रणनीति है उसको कामयाब किया जाए। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का श्रीनगर का ये जो दौरा है जिसमें कि वो जनसभा को संबोधित करेंगे, निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा, क्योंकि हमने पहले चरण में भी देखा था कि प्रधानमंत्री ने जो जम्मू का इलाका था उसमें एक रैली की थी, और उसके बाद दूसरे चरण में चूंकि बड़ा इलाका ये कश्मीर का ही है जिसमें कि मतदान होना है, ऐसे में यहाँ पर उनकी रैली का होना बहुत मायने रखता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से। जी ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, जनसभा होनी है, तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने किस तरह से तैयारियाँ की है, किस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो अगले चरण के चुनाव होने हैं उसमें घरों से बाहर निकले और मतदान करें। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की रैली के समय तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखी जाती है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि लोगों को असुविधा ना हो, और इसमें जो रैली में पहुंचने वाले लोग हैं खासतौर से उनके लिए भी जो रास्ता है, जो आने जाने का रास्ता है वो सुगम रखा जाता है, कोशिश यही रहती है कि सुरक्षा भी हो और लोगों को दिक्कतें ना हो। दूसरी बात जो आपने पूछी कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, स्वीप अभियान के तहत हमने देखा है कि चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। एक तरफ चुनाव आयोग की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बूथ तक पहुंचाए, और उसके लिए उसने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। पहला रूल यही बनाया है इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में कि कोई भी बूथ 2 किलोमीटर से अधिक की दायरे से नहीं होगा। ये बताता है कि चुनाव आयोग ने अधिक से अधिक बूथ बनाकर लोगों की जो पहुँच है उसकी जद में पोलिंग बूथ को बनाने का सुनिश्चित जो प्रयास किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। ख़ास तौर से एक चीज़ और देखी गई है, चाहे वो महिला बूथ हो, चाहे वो PWD बूथ हो, या फिर युवाओं के द्वारा संचालित बूथ हो, इस तरीके के बूथ भी बनाए गए हैं, हमने कल भी देखा था, उसका बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उस मायने में हम देखते हैं कि जब लोगों को ये पता चलता है कि उसके इलाके में पिंक बूथ है तो क्यूरियोसिटी आ जाती है कि किस तरीके के इंतज़ाम हैं, क्या है,
और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी मतदाता ना छूटे जो के लिए जो किया गया है वो बेहद अभूतपूर्व है, वो ये कि जो प्रवासी कश्मीरी भाई हैं उनके लिए, खासतौर से कश्मीरी पंडित या जो भी कश्मीर को छोड़कर बाहर गए हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, उसके लिए अलग से पोलिंग बूथ का इंतज़ाम दिल्ली में 4 सेंटर बनाए गए थे जहां पर वो पोलिंग कर सकते हैं। जम्मू के इलाके में भी पोलिंग करने के लिए इंतज़ाम किए गए थे। तो ये बताता है कि चुनाव आयोग हर वो प्रयास कर रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और लोगों को का जो वोट डालने का अधिकार है वो किसी भी प्रक्रिया की वजह से बाधित ना हो। तो ये जो पूरे के पूरे प्रयास हैं चुनाव आयोग के अधिक से अधिक लोगों को बूथ तक पहुंचाने के, और एक और जो मसला है जिसमें हम देख रहे हैं कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों से भी जो कोशिश की गई उन राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं तक पहुंचने की, जिसमें कि तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में इस बार ज़्यादा दिखे हैं, मुझे लगता है उसका भी फर्क होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के लिए घरों से निकल कर बूथ तक पहुँचते हैं। जी ऋषि, ये तो हमने कल भी देखा जब हम देख रहे थे कि लंबी लंबी कतारें लगी थी और लोग उत्साह के साथ वोट डालने जा रहे थे। अब बात आ चुकी है दूसरे और तीसरे चरण के लिए जिसमें ताकत झोंक रही हैं सभी राजनीतिक पार्टी। बात अगर ऋषि दूसरे चरण की बात की जाए तो 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डालने जाने हैं और जिस तरीके से कल कश्मीर में 19 में से 8 सीटों पर पहले से ही वोट डाले जा चुके हैं, बची हैं अब 11। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर पहुँचेंगे। कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद विकास की बयार तो हमने देखी है लेकिन बेसिक मुद्दे जो हैं वो विकास से जुड़े हुए, जहां बिजली, पानी, रोजगार, ये भी मुद्दे जो हैं उसको भी जनता चाहती है कि आने वाली हुकूमत आके उस पर काम करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर चुनाव में एक संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में पहुंची है और उसने जो जो वायदे किए थे, खासतौर से जो जनता के सहूलियतें, जो विकास की जो संभावनाएं तलाशने और जम्मू कश्मीर को एक मुख्य धारा में शामिल कर लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास अब तक भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम इन 10 सालों में देखें, ये 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जिसमें से कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार भी रही है और उसके बाद यहाँ पर एलजी साहब का जो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था रही है जिसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, तो तमाम केंद्र के द्वारा जो योजनाएं आई हैं, जो तमाम प्रयास किए गए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो युवाओं के लिए एजुकेशन का मसला हो या फिर अगर हम बात करें स्वास्थ्य का मसला हो, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने सम्मिलित किया है जम्मू कश्मीर में अपने जो भी प्रयास हुए हैं उनके तहत। अब जो प्रधानमंत्री का भाषण आज श्रीनगर में होगा, आज का भाषण बहुत मायने रखता है क्योंकि इसके बाद जो चुनाव की जो दिशा है कम से कम कश्मीर घाटी में और ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें कि वो जिन जिन मुद्दों को उठाएंगे। अब तक हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार एक परिवारवादी राजनीति पर जो अटैक कर रहे हैं उससे यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो विचलित हैं। उन्होंने कहा है कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, ये उनका सीधा सीधा आरोप विपक्षी दलों के ऊपर रहा है। तो ऐसे में जो सियासत है वो तो आज के बाद और ज़्यादा गर्माती हुई दिखाई देगी, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए एक नई ऊर्जा का संचार जरूर आज की रैली के बाद उन्हें मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट हम सभी से साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक ग्राउंड जीरो से तमाम खबरें साझा करने के लिए। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हरियाणा में चुनावी घमासान की। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज रोहतक में अपना संकल्प पत्र जारी करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। नड्डा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को लेकर पहले एक कमेटी का गठन किया था। इसमें लोगों के सुझाव को भी शामिल किया गया था। इस संकल्प पत्र में भाजपा का फोकस महिलाओं और किसानों के अलावा व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर रह सकता है। तो हरियाणा में आज भाजपा जारी करेगा अपना संकल्प पत्र, और इस संकल्प पत्र में कई बड़े वायदे किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कल कांग्रेस अपना पहले से ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। 5 अक्टूबर को एक साथ 90 सीटों पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आज का कार्यक्रम जो संकल्प पत्र का जारी होने का कार्यक्रम है वो रोहतक में पार्टी का कार्यक्रम है। नीरज सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने वाला है हरियाणा में, कांग्रेस का पहले से ही हो चुका है कल, आज जब भाजपा अपने संकल्प पत्र को लेकर आएगी तो कितने बड़े वायदे किए जा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों पर बात की जा सकती है? क्योंकि भाजपा हमेशा से 4 क्षेत्रों पर बात करती आ रही है, तो क्या आज भी इन 4 क्षेत्रों पर नजर रह सकती है भाजपा के अपने घोषणा पत्र में? देखिए, बिल्कुल नजर रह सकती है। और आप देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेन भी कर रही है, प्रधानमंत्री की एक रैली भी हुई यहाँ पर, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से विकास के तमाम काम हरियाणा के अंदर किए जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो सरकार है वो लगातार काम करती रहेगी। खास तौर से जिक्र उन्होंने इस बात का भी किया कि जो पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, उस दिशा में भी पार्टी है वो लगातार काम करेगी। आप देखें कि यहाँ पर MSP को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि वो MSP जो कानून है, गारंटी है, उसे लागू करेंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर आप देखें तो 24 फसलों पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी MSP के तहत जो रकम है वो किसानों को दे रही है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जो सिलेंडर है 500 रुपए का वायदा कांग्रेस ने किया, लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ की हरियाणा सरकार है वो 500 रुपए का सिलेंडर है वो लोगों को दे रही है। तो अब 11 बजे के आसपास जब JP नड्डा यहाँ पर संकल्प पत्र जारी करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान इसमें रखा जाएगा कि हरियाणा के जो किसान हैं, हरियाणा के जो गरीब वर्ग हैं, हरियाणा की जो महिलाएं हैं, खासतौर से बुजुर्ग हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हरियाणा से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सेना में भी जाते हैं और खासतौर से पुलिस में भी बड़ी संख्या में जाते हैं। तो जिस तरीके से आप देखें कि अग्निवीर योजना के तहत खुद हरियाणा ने इस बात का जिक्र किया है, मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र तमाम अपने कैंपेन में कर रहे हैं कि 20% के करीब फोर्स जो अग्निवीर में होगी उनको पुलिस में, इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर वहां पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम जो वायदे हैं जो हर वर्ग से संबंधित होंगे इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी उन वादों का जिक्र कर सकती है ताकि आने वाले 5 सालों में उन वायदों को पूरा किया जा सके। चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, जो सेना में जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों की बात करें, रोजगार की बात करें, उन तमाम पहलुओं को संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी समेटेगी और 11 बजे के बाद उस संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत भी रहती है। जनता की भी नब्ज आपने टटोली होगी, मतदाताओं की किस तरह से उम्मीदें हैं अनेक दलों से और किस तरह से वो चाहती हैं कि हरियाणा में जब सरकार बने, जब सत्ता में आसीन हो तो किस तरह से उनके लिए काम किया जाए। देखिए, कोई भी सरकार जो भी स्टेट में चलाती है उसकी कोशिश यही रहती है कि विकास के काम किए जाएं और जनता भी उसी आधार पर वोट भी देती है।
आप देखें कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हरियाणा के अंदर तमाम काम किए गए, आप देखें रोड कनेक्टिविटी को लेकर जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम किया, हरियाणा के कई सारे जो क्षेत्र हैं वो काफी तेजी से विकसित भी हुए हैं। तो जनता है वो चाहती है कि इसी तरह के विकास के काम लगातार होते रहें। इसके अलावा जो किसान हैं, बुजुर्ग हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो भावी सरकार है वो लगातार जो काम है वो करे। जनता विकास के आधार पर ही वोट देती है। जनता देखती है कि उसके क्षेत्र का विकास किस तरह से हो रहा है। जनता देखती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि है जब वो चुना जाएगा तो उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए वो किस तरह के काम करेगा, बच्चों को रोजगार कहाँ अच्छा मिल सकता है, बच्चों के लिए कहाँ एजुकेशन अच्छी मिल सकती है। तो ये तमाम जो पहलू हैं जिनके आधार पर जनता वोट भी करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जो संकल्प लेते हैं कि 5 साल के अंदर इस संकल्प को पूरा किया जाना है, तो वो तमाम जिक्र उसमें रहेगा, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, किसान हो, उन तमाम पहलुओं को समेटकर भारतीय जनता पार्टी तो तमाम पहलुओं को नीरज वर्गों से भी बात भाजपा अपने आज संकल्प पत्र में रख सकती है। ये मुद्दे विकास से जुड़े हुए होंगे, महिलाओं किसान से जुड़ा हुआ फोकस रह सकता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों में, जहां आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी होगा, तब आपसे बात करेंगे। फिलहाल इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आज नई दिल्ली में संसद भवन में एनेक्स में संयुक्त समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि विधेयक पर मौखिक साक्ष्य दर्ज करेंगे। और आपको बता दें कि इसके अलावा समिति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पसमांदा मुस्लिम समाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों के सुझाव पर भी विचार करेगी। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संगठनों ने भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18 सितंबर को आयोजित होनी थी, जो तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई थी। वक्त और आपको बता दें अगली खबर के बारे में, और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अफसर और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रहे मोहिंदर सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास समेत दिल्ली, नोएडा, मेरठ और गोवा के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 1 करोड़ रुपए नगद, 12 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और 7 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। मोहिंदर सिंह पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहते हुए कई बड़े बिल्डर्स को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं सामने आई। साथ ही मोहिंदर सिंह पर बिल्डरों के साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और अब खबरें एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे समय और पैसे की बचत होगी निश्चित तौर पर, और एक राष्ट्र एक चुनाव देश के विकास में अहम भूमिका भी निभाएगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो मान्यता दी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे समय बचता है, पैसे बचते हैं, और जो विकास है, जो विकास जो है वो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो विकास को भी रुकाना पड़ता है, विकास रुक जाता है। और निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन की वजह से आचार संहिता में सब काम रुकते हैं, और इसलिए डेवलपमेंट जो है वो भी रुकती है, डेवलपमेंट का स्पीड कम हो जाता है, पैसे खर्च होते हैं, बड़े पैमाने पर मैन पावर लगाना पड़ता है, ये सब लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो हमारा हमने उसका स्वागत किया है। और आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लोग भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने पर खर्च और आम जन को होने वाली परेशानी कम होगी। इलेक्शन का जो कैबिनेट में मंजूरी दी है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ये गरीब जनता जो है जो महंगाई की बोझ झेलती है वो कम लोड पड़ेगा, और जो अपना परिवार चला रहा था उसको और सहूलियत प्रदान होगी। बार माननीय मोदी जी ने कैबिनेट ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है कि वन नेशन वन
इलेक्शन का बहुत ही सराहनीय कदम है, इसको हम लोग इनकी तारीफ करते हैं। भारत में देखा जाए तो पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, जिससे आम जनमानस प्रभावित होता है। अगर बात की जाए तो जनता का पैसा ही पूरा जनता पे लोड पड़ता है। अगर चुनाव होते, एक चुनाव होता है छोटा बड़ा विधानसभा या कोई भी चुनाव होता है, तो महंगाई दर जो है तत्काल बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता को राहत मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे भारत में चाहे विधानसभा चाहे जिला पंचायत हो चाहे प्रधानमंत्री तक के जो चुनाव है उसको एक बार अगर किया जाएगा तो एक बार लोड पड़ेगा और 5 साल शांति से लोग रहेंगे। देश हमारा एक है और हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। और इसके साथ साथ एक जो इलेक्शन का जो चुनाव की घोषणा कैबिनेट में की गई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि एक साथ समूचे राष्ट्र का चुनाव कराना निश्चित तौर पर बहुत कठिन काम है। तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया है या काबिल तारीफ है। इससे देखिए एक साथ देश पे जो हमारे ऊपर जो चुनाव का जो खर्च पड़ता है, हर चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है, चाहे वह देश का हो चाहे प्रदेश का हो, उन खर्चों पे जो आम आदमी पे उसका बोझ पड़ता है उससे राहत मिलेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन की प्रशंसा करते हुए आम जन जो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बिहार में विकास और बदलाव का बड़ा दौर चल रहा है। यहां सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है। एक तरफ राज्य में 2 IT पार्कों का निर्माण किया जा रहा है तो वहीं बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार हो गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर जटिल गणनाओं को सेकंड्स में हल करने में सक्षम है। भगवान बुद्ध की धरती पर परम बुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल परम बुद्ध बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। इस के शुरू होने से बिहार में सूचना और प्रौद्योगिकी में एक क्रांति देखने को मिलेगी। परम बुद्ध एडवांस कंप्यूटिंग के साथ ही सटीक मौसम की जानकारी भी दे सकता है। इसके साथ ही कैंसर जैसे असाध्य रोगों को सेकंड में पहचान सकता है। भगवान बुद्ध की धरती पर परम बुद्ध तैयार हो गया है। दरअसल बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध रखा गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने इसे तैयार किया है। अन्य कंप्यूटरों से इतर इसमें GPU यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान, पुलिसिंग समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद करता है। आज के युग में हमारे पास में डेटा बहुत होता है और जो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसमें कंप्यूटिंग फैसिलिटी, कंप्यूटिंग बहुत हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है जो साधारण कंप्यूटर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। उसके लिए पैरेलल कंप्यूटेशनल मशीन जिसकी जरूरत होती है, सुपर कंप्यूटिंग एक और जो HPC हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एक पैरेलल कंप्यूटेशनल सिस्टम होता है जिसमें बड़े प्रॉब्लम्स को जहां पर प्रोसेसिंग घंटों की लगती है, दिन की लगती है और बड़े डेटा सेट्स पर काम करना होता है, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं। परम बुद्ध से मौसम और आपदा की सटीक भविष्यवाणियों में मदद मिलेगी। साथ ही इसका इस्तेमाल करके साइबर सुरक्षा से लेकर कृषि तक के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। परम बुद्ध अपराधियों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है। जैसे किसी क्राइम सीन पर अपराधी का फिंगरप्रिंट मिलता है तो मिनटों में UID के डेटा से मैच करके अपराधी की पहचान की जा सकती है। सीडैक ने हाल ही में एक MOU बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के साथ किया है। सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर हो सकता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। कैसे? क्योंकि सुपर कंप्यूटर के पास बहुत बहुत बड़ी रेंज है प्रोसेसिंग करने की, कंप्यूट करने की। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम कई चीज़ों को मल्टीपल नोड्स पर एक साथ कंप्यूट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। क्राइम पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी सीडक पटना में भी हम लोग EOU के साथ मिलकर एक MOU अभी रिसेंटली हमने साइन किया है कि साइबर सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हुए और पटना के सीडक पटना की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए क्राइम एनालिसिस, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम कंट्रीब्यूट और कैसे हैंड टू हैंड काम कर सकते हैं। बिहार का सुपर कंप्यूटर स्पीड के मामले में भी काफी तेज है। कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। इसकी क्षमता
दो पेटा फ्लॉप की है। एक कीबोर्ड पर 10 स्क्वायर 17 इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर जनरली जो यूज होता है वो बड़ी डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है, जैसे कि मौसम विभाग है, जैसे कि जो है ट्रैफिक की मॉनिटरिंग है, जैसे ऑटोमेटिक चालान करना हो, या आपको जो है फेशियल रिकग्निशन करके जो है उससे कोई इनपुट निकालना हो, जैसे किसी को ट्रैक करना हो, क्राइम जो है नेशनल डेटाबेस है या UIDAI है उसमें से जो है किसी के मैच करना हो इमीडिएटली। परम बुद्ध का इस्तेमाल वर्तमान में भारतीय सेना, IIT पटना, NIT, ISM धनबाद के साथ कई केंद्रीय एजेंसियां और संस्थान कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल शिक्षा के साथ मेडिकल क्षेत्र में भी किया जा सकता है। बिहार में परम बुद्ध के शुरू होने से राज्य की छवि में भी बड़ा बदलाव आया है। राज्य में बनने वाले IIT पार्कों को भी परम बुद्ध का लाभ मिलेगा। परम बुद्ध साइबर सिक्योरिटी में भी काफी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल अभी भारतीय सेना के साथ IIT और NIT रिसर्च के लिए कर रहे हैं। भविष्य में इसका इस्तेमाल मेडिकल के क्षेत्र में भी किया जाने वाला है। DD न्यूज के लिए पटना से जय कुमार के साथ मधुरेश नारायण। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी स्वच्छता ही सेवा से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। वाली होली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान की। स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ी खबरों की शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, लेकिन अब ये नदियां काफी गंदी हो गई हैं। इन्हें साफ करने का जिम्मा कुछ युवाओं की टीम वाटर वॉरियर्स पंजाब ने उठाया है, और वे हर रविवार को यहां आकर नदी की सफाई करते हैं। लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे कूड़ा उठा रहे हैं ये युवा। ये पंजाब के कुछ युवाओं की टीम है जो खुद को वाटर वॉरियर्स पंजाब कहते हैं। पंजाब में जल संकट को देखते हुए ये योद्धा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी टीम के सदस्य बलकार सिंह ने बताया कि वे हर सप्ताह सतलुज नदी की सफाई करने आते हैं, और वाटर वॉरियर्स पंजाब के प्रणेता मनजीत सिंह ब्यास सतलुज और रावी नदियों की भी सफाई करते हैं। आसपास के लोग, लुधियाने के आसपास के, जलंधर के, फिलौर के लोग भी हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम तैयार हो गई है। हमारी टीम में 150 से लेकर 200 से ज़्यादा भी हमारी अब टीम बन चुकी है, तो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। वो यहाँ भी सफाई होती है, दूसरी नदियों पे भी सफाई कर रही हैं। कूड़ा कचरा हम लोगों ने फेंक रखा है यहाँ पे, उसकी सफाई करें, अपने अपने पे लेवल पे काम करते रहें। ये देखो, ये जो पानी है, जो किसी ने, एक आदमी ने तो यूज़ करना नहीं है, ये सारे पंजाब के लिए। तो मेरी सभी लोगों को विनती है कि आप आए, सतलुज की सफाई रखें। हर रविवार को वाटर वॉरियर्स पंजाब के कुछ युवा लाड़ीवाल के पास सतलुज नदी के पुल के ऊपर और नीचे सफाई करते हैं, और लोगों को नदी में कुछ भी ना फेंकने के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जल योद्धा हरजोत कौर ने कहा कि उनका मिशन पंजाब की नदियों और पानी को साफ करना और लोगों को जागरूक करना है।
हमने पानी की सफाई करनी है, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है। पानी की जो बूंद बूंद है हमारे लिए कीमती है। आने वाले समय में पानी की कमी से बहुत कुछ हो सकता है। सो अगर हम आज इसको बचा लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें लाइक पछताना नहीं पड़ेगा। युवाओं ने बताया कि नदियों के जल को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है और ये प्रेरणा उनमें कैसे जगी। आज हम सतलुज दरिया पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारी वाटर वॉरियर की टीम पूरी आई हुई है। मेरा नाम कृति है। मैं लास्ट टू थ्री मंथ से लास्ट मैं यहीं पे वाटर वॉरियर की टीम को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं डेली अप डाउन करती थी। मैं एक जॉब करने वाली लड़की हूँ। मैं डेली यहाँ से अप डाउन करती थी तो मैं देखती थी कि लोग कुछ भी उनके घर में पड़ा है, कोई भी कूड़ा पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, वो यहाँ पे आके जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन मुझे ये देख के बहुत दुख लगता था कि लोग इसको साफ़ क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये पूजने वाली जगह नहीं है, ये बचाने वाली जगह है। हमें उम्मीद है कि वाटर वॉरियर्स पंजाब की पहल से प्रेरणा लेकर और भी लोग पंजाब के पर्यावरण की गिरावट को रोकने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, स्वच्छता ही सेवा, इस अभियान में देश के युवा भी बढ़ चढ़ कर भागीदार बन रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि स्वच्छता रखनी होगी, साथ ही साथ जल को भी बचाना होगा। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज विशाखापत्तनम में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला 19 से 29 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस दौरान देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और डिब्बा बंद भोजन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि मेले में करीब 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में की गई पहलों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे देश के सहकारी व्यवस्था को नई गति और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में भी तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह के दौरान कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इसी बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हुई बारिश से यातायात पर भी असर पड़ा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां, आप कहीं मजा आएगा। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया, नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील,
स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब पारी अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी साइमा के पास। साइमा, सुप्रभात, क्या है आज आपके पास अखबारों के पिटारे से? बहुत बहुत शुक्रिया भावना और संध्या, आपको भी सुप्रभात और सभी दर्शकों को सुप्रभात। दिल्ली का मौसम देखा जाए तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा सुहाना हुआ हुआ है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत खुशगवार मौसम है। और ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय के साथ न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों की सुर्खियाँ हमें मिल जाएँ तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अखबारों की सुर्खियों की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कल जिस तरह की खबरें हमको देखने को मिली उसी के हवाले से अखबारों ने भी में खबरें शाये की हैं। कैबिनेट ने जहां भारत में एक देश एक चुनाव की को हरी झंडी दिखाई, उसी के हवाले से हम देख सकते हैं कि तमाम अखबारों ने अपने खबर किस तरह से शाया की है उसको आप बता देते हैं। जहां पर आर्थिक विशेषज्ञ अब इसको लेकर सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव से जीडीपी में 1.5% की वृद्धि का अनुमान है, इससे पैसे की बचत तो होगी ही होगी। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जिस तरह से अलग अलग चुनाव होते थे और कहीं ना कहीं आचार संहिता के कारण सरकार के हाथ जो थे वो 12 से 15 महीने तक बंधे रहते थे, अब इन सब चीज़ों पर भी रोक लगेगी और एक तरह से होकर सरकार पूरी तरह से अब काम में लग सकती है। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान हुए, 61% का मतदान यहां पर देखने को मिला, लेकिन अखबारों ने जिस तरह से इसमें सुर्खियां शाये की हैं वो भी देखने वाली बात है। अखबार ने जिस तरह से लिखा है कि आतंक का गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, भय हुआ दूर, शांति और विकास के लिए मतदान में उत्साह भरपूर, दक्षिण कश्मीर में चुनाव बहिष्कार की राजनीति अब पूरी तरह से दफन हो गई है और तालियां बजाकर वोट डालने वाले मतदाताओं का यहां पर स्वागत किया गया है। तो इस तरह से अखबारों ने सुर्खियां दी हैं। आगे बढ़ते हैं कि जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जैसे एनपीएस वात्सल्य स्कीम कल लॉन्च हुई थी और उसी के हवाले से यहाँ पर लिखा गया, उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने कि अगर इस प्रकार की सुविधा पहले होती तो आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती और अब हर माता पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत सालाना महज 1,000 रुपये में खाता खुलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ खेती किसानी में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं उसी के हवाले से एक खुशखबरी यहां पर शाया हुई है। आपको बता दें कि खेती किसानी में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी हो गई है और आने वाले दिनों में कम पैदावार वाली जो फसलें हैं, पौधे हैं, उनके नए जीनोम विकसित कर कम खर्च में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा और इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर जीनोम लैब्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां एक और खबर यहां पर आई है कि भारत अब ऐसी जीनोमिक चिप डेवलप करने जा रहा है जो गाय भैंसों की पिछली 7 पुश्तों का आनुवांशिक स्थिति को तुरंत बता देगी और ये चिप आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण के साथ साथ देसी नस्लों के मवेशियों के संरक्षण एवं गौ पालकों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी। और उम्मीद की जा रही है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री इस चिप को लॉन्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जहां पर देखा जा रहा है कि साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर देखते हुए केंद्र सरकार जो है वो साइबर अपराधों की गतिविधियों पर देशव्यापी कार्रवाई के उद्देश्य से राज्यों के पुलिस बलों के बीच डेटा साझा करने के लिए एक समन्वय नाम का एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है और इस पोर्टल का उपयोग साइबर अपराधों की लोकेशन, बैंक खातों, एटीएम निकासी स्थानों, सिम कार्ड के बिक्री केंद्रों और संदिग्ध आवास का पता लगाने के लिए किया जा सकेगा। और आखिर में आपको बता दें कि जो सिनेमा देखने के शौकीन हैं उनके लिए भी खबर आई है, एक बार फिर से 99 रुपये में होगा फिल्म का टिकट। देखा जा सकता है कि कोरोना के टाइम में कोरोना के बाद सिनेमा घरों को भरने के लिए इस तरह की एक स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन अब ये फिर से आने शुरू हो रही है और 20 सितंबर की ये तारीख दी गई है कि 20 सितंबर को अब आप फिर से सिनेमा प्रेमी जो हैं वो 99 रुपये में फिल्म का टिकट लेकर फिल्म देखने जा सकते हैं। तो ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां जो हम आपके लिए लेकर आए थे।
तो साइमा, अखबारों के पिटारों से इतनी दिलचस्प खबरों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए प्रचार अभियान अब थम गया है। शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता सज्जित प्रेमदासा और एसएलपीपी के नमल राजपक्षे सहित 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीलंकाई चुनाव आयोग ने मतदाताओं से स्वतंत्र रूप से सोचकर मतदान करने की अपील की है। इस दौरान चुनाव प्रचार की किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत यानी 50% से ज्यादा मत हासिल नहीं होंगे। तो चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं श्रीलंका में। अहमद मोइन फारूकी जुड़ चुके हैं कोलंबो से। अहमद, आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीलंका चुनाव आयोग ने प्रमुख गाइडलाइंस जारी की हैं। 21 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। तख्तापलट के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है श्रीलंका में। बेहद ही अहम चुनाव है, क्योंकि आर्थिक मंदी से जिस तरीके से श्रीलंका अब धीरे धीरे उभर रहा है, उसमें राष्ट्रपति चुनाव बेहद अहम हो जाते हैं। और चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस में किन मुख्य बातों का जिक्र किया है? भावना, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी हमें जानना है कि जानने की जरूरत पड़ती है कि इन चुनाव के दौरान ये जो 72 घंटों का जो मौन अवधि का जो पीरियड है, जो काल है, इसमें कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। ना दरवाजे पर जाके कोई डोर टू डोर कैंपेन कर सकता है, ना किसी मीडिया आउटलेट में कोई इस बारे में बता सकता है। साथ साथ जो रैलियां थी वो कल समाप्त हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ये आदेश दिया है कि जहां पर भी इसका कहीं उल्लंघन होता हो, वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सारे आदेश दे रखे हैं। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर कोई दफ्तर कुछ बनाया हो, कहीं कोई एक टेम्पररी स्ट्रक्चर कुछ बनाया हो, उनको हटा दिया जाए आज रात तक। तो इसके साथ साथ चुनाव आयोग ये हमेशा से कहते आ रहा है कि जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो इस अवधि का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएं और सोचें कि किसको उनको चुनाव में वोट डालना है। यहाँ पर श्रीलंका में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल सिस्टम का एक इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर मतदाता 3 कैंडिडेट को अपना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से अपना मत देता है। और उसके बाद जब काउंटिंग होती है और उसी दिन जिस दिन वोट होगा, वहाँ पर पहला जो प्रेफरेंस रहेगा उनको सारा एक हिसाब से जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा किस उम्मीदवार को 50% मिलेगा। अगर किसी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिलता है, तो सिर्फ जो पहले और दूसरे नंबर के जो उम्मीदवार हैं उनको बाकी रख के और बकाया जितने उम्मीदवार हैं उन सब के वोटों में दूसरे और तीसरे स्थान पे किसको दिया गया है प्रेफरेंस, उनको उनमें बांटा जाएगा और तब देखा जाएगा कौन जीतेगा। तो इतना फिलहाल यहाँ पर मैं देखने को हमें मिल रहा है अब। जी अहमद, तो बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि आर्थिक मंदी से जिस तरीके से श्रीलंका धीरे धीरे उभर रहा है, जनता चाहती है कि अब ऐसी सरकार आए जिसमें श्रीलंका का विकास जो है वो देखा जा सके। फिलहाल अहमद, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर है लेबनान से जुड़ी हुई, जहाँ पेजर धमाके के बाद अब वायरलेस सेट में हुए धमाकों से लेबनान हिल गया है। और आपको बता दें कि लेबनान में बुधवार को हिजबुल्ला के वायरलेस सेट में धमाके देखे गए हैं। इन धमाकों में 20 लोगों की मौत की खबर है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को बेरूत के उपनगरीय इलाकों और बेका घाटी में 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि मंगलवार के विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि लगभग 3,000 लोग घायल हुए हैं। ताज़ा विस्फोट तब हुए जब पहले में विस्फोट में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के निकट बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। पहले के विस्फोट मंगलवार को बेरूत और कई अन्य क्षेत्रों में हुए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी कारोबार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से। अंदाज रहेगा फटाफट, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। हैंड धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। कट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की अंदाज फटाफट। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया गया है। अमेरिका में अब ब्याज दर 4.75% से 5% के बीच रहेगी। 4 साल के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जेरोम पॉवेल की अध्यक्षता में हुई बैठक ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया। इस बैठक में कुल 12 सदस्यों में 11 वोट इसके पक्ष में पड़े। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। इस कटौती का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। एक लंबे ब्रेक के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर नजर आएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज से चेन्नई में शुरू होगा। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद दमदार रहा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो टीम की टीम इंडिया के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत की तलाश है। टेस्ट में एक बार फिर से खुद को बेस्ट साबित करने के इरादे के साथ भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में इस मुकाबले को लेकर टीम जोर शोर से अपनी तैयारी को अंजाम दे रही है। भारतीय टीम ने पिछली बार साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी, जहां टीम ने 2-0 से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बांग्लादेश की टीम बदली हुई दिख रही है। टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर टेस्ट में 2-0 से मात दी है। बांग्लादेश अपने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी में भारत में भी इतिहास रचने के लिए बेताब दिख रही है। चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है। ऐसे में शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज और तैजुल इस्लाम के रूप में 3 स्पिन गेंदबाज बांग्लादेश की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं। बल्लेबाजी की कमान अनुभवी मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के हाथों में होगी। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो टीम बेहद संतुलित है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की उपस्थिति टीम की मजबूती को बढ़ा रही है। चेन्नई की पिच स्पिनिंग ट्रैक पर कमाल कर सकती है। ऐसे में स्पिनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, जहां अश्विन, कुलदीप और रविंद्र जडेजा सामने हैं। वैसे रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 13 टेस्ट मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 11 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। यानी बांग्लादेश को अभी भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत की तलाश है। निश्चित रूप से रिकॉर्ड्स में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन जीत और हार रिकॉर्ड से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से बनते हैं। ऐसे में टीम इंडिया बस यही ध्यान करना चाहेगी कि टीम एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में बेस्ट साबित हो। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इधर चीन को उसी के घर में हरा कर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम स्वदेश वापस लौट आई। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को अपना बनाया है, जबकि यह लगातार 2री बार रहा जब टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब को जीतने में सफल रही। पिछली बार भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में मलेशिया को फाइनल में हराया था। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की।
तो आपने जाना मौसम का हाल और आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब टीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। तो नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं केरल के लोक आर्ट पुलिकाली की तैयारियों से जुड़ी खूबसूरत झलकियां। और आपको बता दें कि शेर की कलाकृति वाली इन तस्वीरों का आप आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।